दहशत का राज। लोगों के सुकून पर पानी ने डाला डाका। नदियों के खौफनाक तेवर ने तर कर दिया। घर, खेत और फसल ने सबने टेक दिए घुटने। बिन मौसम बाढ़ ने जिंदगी को बनाया जहन्नुम। जिस चंबल के किनारे कभी डकैतों का राज हुआ करता था, आज सालों बाद वहां पानी की हुकूमत शुरू हो गई है। पानी ने अपना साम्राज्य क्या फैलाया, लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। हर कोई पनाह मांगता घूम रहा है। बीहड़ के जिन टीलों पर चढ़ना खौफ का सबब हुआ करता था, आज वही टीले जान बचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिर्फ चंबल ही नहीं, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाकों में भी पानी ने बेहिसाब कहर बरपाया है। आलम यह है कि सितंबर का ये सितम लोगों पर भारी पड़ रहा है। मानसून की विदाई के मौसम में आई इस बाढ़ ने लोगों की जिंदगी का नया इम्तिहान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के एक तिहाई इलाकों में त्राही त्राही मची है। बिन बरसात दाखिल हुए इस पानी का असली ठिकाना दूसरे राज्य है, जहां डैम खोलने और अपनी मुश्किलों को यूपी की तरफ ढकेल दिया गया है। और इसी का असर है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोगों के जीवन में आफत खुल गई है। यूपी की छोटी बड़ी कई नदियां उफनाई हुई हैं, लोग फंसे हैं और बचाने की गुहार लगा रहे हैं। नदियों का ये रौद्र रूप जो कहर ठा रहा है, उसकी पूरी दास्तां देखिए एबीपी गंगा पर। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप, मैं हूं स्नेहलता। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। यहां बाढ़ की वजह से 5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। हजारों की संख्या में लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। शहर से लेकर गांव तक तमाम इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। तो ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों के जरिए जरा समझने की कोशिश करिए कि सितंबर जहां मानसून के जाने का वक्त होता है, बाढ़ के कहर से लोग कैसे उबर पाएंगे। इस मौसम के जाते हुए मानसून से गंगा यमुना दोनों के जलस्तर ने बाढ़ के खतरे को कितना बढ़ा दिया है, उसका अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों से। घरों के बीच जो गलियां सड़कें हुआ करती हैं चलने के लिए, वहां पानी ही पानी है। तो ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि सितंबर के महीने में मानसून के जाने का विदाई का वक्त भी कितना भारी पड़ रहा है प्रयागराज वालों के लिए, जहां गंगा यमुना दोनों का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। तो चंबल गंगा और यमुना के साथ ही कहानी अब केन नदी की भी करते हैं, जो तबाही के निशान को छू चुकी है और इसके जद में बांदा जिले के कई गांव आ चुके हैं। इन गांवों का हाल ये है कि मेन रोड से ये कट चुके हैं, लोगों को जोखिम उठाना पड़ रहा है आने जाने के लिए। सितंबर में सैलाबी सितम के आगे हजारों लोगों ने घुटने टेक दिए हैं। प्रशासन की बात करें तो खुद भी बाढ़ पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन राहत का इंतजाम कब तक करेंगे ये ऊपर वाले के हाथ। कल तक जिस नदी पर लोग तरस खाते रहे, आज जब वो विकराल रूप में बह रही है तो लोगों की सांसें अटक गई। किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि केन नदी का ये रूप न केवल डराएगा बल्कि लोगों की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। सिर्फ केन ही क्यों, उसके साथ ही यमुना नदी भी पूरे उफान पर है और दोनों नदियों का तालमेल कुछ इस तरह बना है तबाही के साथ की
50 से ज्यादा गांव इनकी चपेट में आ चुके हैं। अब तक बाढ़ के खौफ से दूर रहे गांव वालों को यकीन हो चला है कि पानी की रफ्तार यही रही तो जल टापू बनने से दूर नहीं। दोनों नदियों का असर भी देखा जा सकता है। कई गांवों में पानी ने रास्ता रोक दिया है, जिसे पार करना है उसे जोखिम मोल लेना होगा और लोग उठा भी रहे हैं। कई जगह तो मेन रोड से गांव के गांव कट चुके हैं, हजारों हेक्टेयर में फैली फसल चौपट हो चुकी है, लोगों को दूसरी जगह जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, लिहाजा अपनी बेबसी बताने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं बचा। यहाँ जो है इतना बाढ़ जो है तेजी से हो रही है, आज भी तेजी से है अभी भी, और यहाँ के सगले जो मार्ग बंद हो चुके हैं, मरझाओ, सिंधन, पड़ेरी, हर जगह के मार्ग बंद हो चुके हैं, और यहाँ अगर महिला की कोई डिलीवरी वगैरह होना है तो यहाँ कोई साधन पहुँच नहीं पा रहा, कोई स्वास्थ्य विभाग वाले आए भी नहीं है। 2600 करोड़ की जो है हेक्टेयर की जो है नुकसान है। जिले से बहने वाली यमुना नदी तो कब का खतरे के निशान को पार कर चुकी है, तो वहीं केन नदी भी पीछे नहीं रहना चाहती और वो खतरे के निशान को छूने के करीब। आने जाने के लिए नाव शुरू की जा चुकी है, लेकिन उससे भी खतरे को टाला नहीं जा सकता। बाढ़ की खबर जिला प्रशासन को भी है, लिहाजा वो भी बाढ़ के असर से जूझ रहे इलाकों में दौरे कर हालात का जायजा लेने में जुट गया है। बांदा के जिलाधिकारी और एसपी ने कई ऐसे इलाकों की हकीकत को नजदीक से समझने की कोशिश की, साथ ही साफ किया कि बाढ़ के चलते जो भी नुकसान किसानों का हुआ है उसका आंकलन कर जल्द से जल्द इसके बदले मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही बाढ़ से निपटने के लिए दूसरे इंतजामों का दावा करने की बात प्रशासन ने कही। महावरा है तहसील और यहाँ पे यमुना के बिल्कुल बैंक पे किनारे बसा हुआ गांव है, और इसमें बहुत असुविधा नहीं है, थोड़ी सी असुविधा है क्योंकि पानी गांव के चारों तरफ फैल गया है। इसके पीछे कारण क्या है, इन लोगों ने एक छोटा सा बंधा बनाया था, करीब 100 मीटर का बंधा है, उसमें से 20 मीटर वो बंधा टूट गया है। तो अभी हमारे तहसील के, हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब, सभी लोग, हमारे पुलिस के थाना इंचार्ज भी हैं, SP साहब भी हैं, इनका वो जो बंधा टूटा, अभी हमने यही MI से कहा कि उसको पक्का कर दें, तो जिससे ये समस्या इनकी परमानेंट दूर हो जाएगी। इनके जो फसल डूबे हुए हैं उनका मुआवजा जो नियम से होता है वो दे दिया जाएगा। गांव के लोगों की मांग है कि यहाँ बिजली नहीं आई है, क्योंकि बिजली का जो सब स्टेशन है वो भी पानी से प्रभावित है, तो इसको अल्टरनेटिव सब स्टेशन से बिजली देने के लिए भी FCM से बोला गया। तो को कब तक पूरा करेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन नदियां न केवल अपना रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, बल्कि अपना दायरा भी, और धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही हैं। ये सब देखकर प्रशासन पानी पानी होगा या नहीं इसका इंतजार करना होगा। बांदा से ABP गंगा के लिए अभय निगम की रिपोर्ट। उधर काशी में भी गंगा उफान पर है, यहाँ निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ गई हैं। यहाँ का जायजा लिया ABP गंगा संवाददाता नीतीश पांडे ने। वाराणसी में मोक्षदायिनी अपने रौद्र रूप में है, और आपको हम सबसे पहले 80 घाट का नजारा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये घाट है, पूरी तरह से जलमग्न घाट है ये, और ये घाट की ओर जाने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब ये जल के अंदर समा चुका है और हर तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। सुबह बनारस का ये मंच हुआ करता था, ये भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, और जहाँ पे सुबह बनारस की आरती होती थी और ऊपर के झंडे, लगता है थोड़ी ही देर में, कुछ ही समय में ये झंडे भी जल में विलीन हो जाएंगे। तो पूरी तरह से जलमग्न हो रही है काशी, परेशानियाँ अपने चरम पर हैं, और इसके साथ ही आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए गंगा अब घाट से ऊपर उठकर शहर की ओर प्रस्थान करने लगी है, शहर की ओर बढ़ने लगा है गंगा का जल, तो आगे परेशानियां और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ये घाट के पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो अपनी चौकियां घाट के ऊपर तो लाए थे, लेकिन अब इनकी परेशानियां और भी बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि
अब गंगा का जल घाट की सीढ़ियों के ऊपर बढ़ चुका है, गंगा अब शहर की ओर बढ़ने लगी है। पंडित जी नाम जानेंगे आपका। हमारा ब्रह्मचारी जी नाम है। गंगा के बढ़ाव की स्थिति क्या है? बहुत ज़्यादा है। कितनी परेशानी हो रही थी, पहले आप लोग घाट पे थे फिर ऊपर, क्या क्या किया? हाँ, बहुत परेशानी हो रही है और परेशानी का यहाँ सामना किया जा रहा है। गंगा का पानी चरम सीमे पर पहुँच चुकी है, इसलिए यहाँ के जितने भी लोकल के रहने वाले हैं इस पानी से, गंगा के पानी से अतीव परेशान हैं। और विशेष बात के लिए वो पंचा साहब से पूछिए। तो शहर की ओर अब बढ़ने लगे हैं गंगा, घाट के पहले तो नीचे था, सीढ़ियों तक जल था। हाँ हाँ हाँ, बहुत नीचे था। और विशेष बात के लिए हमारे पंजा जी, तो घाट की सीढ़ियों से ऊपर उठकर अब शहर की ओर गंगा का जल बढ़ने लगा है और अब परेशानियां अपने चरम पर दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। सिर्फ चंबल ही नहीं, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली कई बड़ी नदियां दहशत की नई दास्तान लिख रही हैं। वक्त ऐसा है कि मानसून के चले जाने का ये असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि नदियों के इस रूप का अंदाजा नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे राज्य में भारी और डैम भर जाने का असर है, उनके डैम के फाटक खुलते ही उत्तर प्रदेश पानी पानी हो चुका है। संगम नगरी में सैलाब शहर में दाखिल हो चुका है। लोगों को बचाने के लिए अब NDRF को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। संगम नगरी की तस्वीर चंद महीनों में किस कदर बदल गई है, ये मंजर उसकी बानगी है। कुंभ के दौरान जिस गंगा और यमुना में लोगों ने डुबकी लगाकर खुद को धन्य किया था, उन्हीं गंगा और यमुना ने अपना अवतार बदल दिया है। हालत ये है कि इन नदियों के किनारे लोग खौफ से भर गए हैं। पानी इस कदर बढ़ा है कि मानो नदियों की धारा पर एक शहर बस गया है। हाँ, ये बात अलग है कि इस शहर के लोग अब दूसरे ठिकाने ढूंढने को मजबूर हैं। सिर्फ शहर ही क्यों, बल्कि जिले के जो गांव इन नदियों के किनारे हैं वो भी डूब चुके हैं या फिर डूबने के कगार पर। प्रयागराज में गंगा नदी मंगलवार को ही खतरे का निशान पार कर चुकी है और माना जा रहा है कि अब यमुना का नंबर है जो खतरे के निशान को पार कर जाएगी। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन प्रशासन पानी की रफ्तार से मुकाबला करने को तैयार नहीं है। और तो और, बाढ़ में बारिश कोड़ में खाद साबित हो रही है। शहर के जिन इलाकों की हालत खस्ता है उसमें छोटा बघाड़ा, दारागंज, सलोरी, करेला बाग, राजापुर, अशोकनगर, रसूलाबाद, ओम गायत्री नगर, गंगानगर, नेवादा, गौसनगर, बेली, कमलानगर, तेलियरगंज, बलुआ घाट और दरियाबाद जैसे मोहल्ले हैं। इसके 5,000 से ज्यादा मकानों में बाढ़ का पानी भर गया है। इन सब का असर ये है कि यहाँ स्थानीय लोग तो इधर उधर निकलने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन जो छात्र और छात्राएं यहाँ रहकर कोचिंग कर रहे हैं वो कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उनकी समस्या विकराल हो गई है। बहुत दिक्कत हो रही है सर, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है सर, पानी सब घर में घुस गया है सर, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, खाने पीने की सब बड़ी समस्या है सर, सब्जी भी बहुत महंगी हो गई है सर, और सर यहाँ के जो लोकल हैं सर उन्हीं की व्यवस्था की गई है एनिवेशन कॉलेज में, उनका रहने और खाने की व्यवस्था है, यहाँ स्टूडेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है सर, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं सर, 18 तारीख को TGT का एग्जाम है मेरा, इसीलिए रुके हुए हैं, लेकिन सर देखिए अगर पानी कम हुआ तो कहीं हम जाके रुकेंगे सर दूसरे लॉज में। हालांकि यहाँ NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है, वो बोट के जरिए लोगों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन इसमें लगे जवानों की संख्या पर्याप्त नहीं है, मगर जो लगे हैं उनके जज्बे को बाढ़ से बचाने वाले सलाम कर रहे हैं।
लोग बहुत परेशानी से गुजारा कर रहे हैं, ईश्वर के साथ में आप लोग के सहयोग से हम लोगों का गुजारा हो रहा है। उसी तरीके से हमने नौका पर सामान लेकर के आया, अभी कुछ सामान हमारा उसमें पड़ा है, हम बहुत परेशान हैं। बहुत बुरे मुश्किल से शाम सुबह भोजन नहीं मिल रहा था, उसके बाद किसी तरीके से हम लोग को बचा रखे। संगम जाने वाले रास्ते 3 किलोमीटर पहले से ही बाढ़ के पानी में समाए हुए हैं। तमाम मठ मंदिर और आश्रम भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। एनडीआरएफ की नावों से अब तक 1000 के करीब लोग घरों से बाहर निकाले गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से हालात अब बेकाबू से होते जा रहे हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि पूरे के पूरी तरह बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। रास्ते पानी में डूब गए हैं, सड़कें पानी में डूब गए हैं और हजारों की संख्या में मकान जो है वो भी जो है टापू में तब्दील हो गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं ओम गायत्री नगर इलाके में, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। सड़कों पर नावें चल रही हैं और लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए एनडीआरएफ की टीम सामने आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राएँ यहाँ पर रहती थी। वो पिछले 2 दिनों से बाढ़ के पानी में फंसी हुई थी। तब कैसा लग रहा था और अब एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई तो किस तरह की राहत हो रही है? सर बहुत रिलीफ हुआ। पहले बहुत डर लग रहा था, इतनी सारी पानी पहली बार देखी थी मैं, क्योंकि यहाँ पहली बार आई थी पढ़ने। अभी जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ है, अब अच्छे से। और लगातार ये लोग जो 2 टीमें इनकी हैं लगातार दिन रात काम कर रही हैं और इसी तरह रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। प्रयागराज में बाढ़ ने हालात बदतर कर दिए हैं। यही वजह है कि बाढ़ राहत केंद्रों में भीड़ पड़ रही है, लेकिन सच ये है कि बुनियादी सुविधाओं का टोटा है। हाँ, कंट्रोल रूम बनाकर नंबर दे दिया गया है ताकि आप अपनों की जानकारी ले सकें। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और बाढ़ के कहर से औरैया के लोग भी परेशान हैं। यहाँ यमुना के बढ़े जल स्तर ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन पानी के रौद्र रूप को देखने के लिए भीड़ भी जमा हो रही है। यहाँ पुल पर लोगों का तांता लग रहा है। हैरानी की बात यह है कि कई लोग यहाँ सेल्फी लेने की होड़ में भी हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी भी ले रहे हैं। और उधर कौशाम्बी में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जल स्तर अब खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिस वजह से यमुना नदी के तराई इलाकों में बसे गांव में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। घर, खेत, खलिहान, हर जगह पानी ही पानी। हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। पाली, हसीमाबाद, गढ़वा, पिपराहटा, मलहीपुर, नंदा गाँव, ये वो गाँव हैं जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इन गांवों में अब तक 1 दर्जन से अधिक घर गिर चुके हैं। हालात ये हैं कि गढ़वा, पिपरहटा और मलहीपुर और हिसामाबाद गांव की हालत नाजुक है, काफ़ी सेंसिटिव है। घायल चायल तहसील के मलहीपुर गांव की हालत सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। यमुना में लगातार बढ़ते जल स्तर से मलहीपुर, पिपरहटा, कटैया, केटवपुरवा गाँव का संपर्क भी मुख्य मार्ग से कट चुका है। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारी बड़े पैमाने पर इंतजाम का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन गंगा और यमुना के भीषण रूप के सामने ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। चंबल और बीहड़ का कनेक्शन दहशत से ही रहा है। सुर्खियां भी इसी वजह से इसे मिलती रही हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था यहाँ डकैतों का बोलबाला था, पर आज दहशत की वजह डकैत नहीं बल्कि पानी है, जो 1996 के बाद सबसे खौफनाक शक्ल में लौटा है। इसे लोगों ने सुकून पर डाका डालने वाला एक मंजर बताया है। चंबल से लगे जिलों की बात करें तो पानी इस तरह से डर की वजह है कि लोगों के घर जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। बात यहीं ख़त्म हो जाती तो फिर भी गनीमत थी, बिना सरकारी मदद जिससे अपना इंतज़ाम किया वो भी बारिश के आगे ढेर हो गया। देखिए रिपोर्ट।
जिन टीलों पर चढ़कर कभी डकैत अपने शिकार की तलाश में योजनाएं बनाते रहे, पुलिस से बचने के मंसूबे पालते रहे, उन्हीं टीलों पर लोगों को नई जिंदगी मिल रही है, क्योंकि ऊपर से बेहिसाब पानी बरस रहा है, नीचे चंबल ने अपना आंचल फैला दिया है और इसकी वजह से दोनों के बीच में लोगों की जिंदगी फंस गई है। सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, यहाँ घर हैं करीब करीब 200 घर, प्रशासन की आ रहे हैं लोग बाग मदद तो कुछ नहीं मिल रही अभी। तस्वीरें आगरा की हैं, जहाँ पिनाहट के उमराइटपुरा में चंबल का पानी आतंक और दहशत की नई कहानी लिख रहा है। सालों बाद यादाश्त के फाटक को तोड़ती हुई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दी है, क्योंकि घर के घर पानी में डूब गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, घर में रखा अनाज भी पानी में घुल गया है। पानी ने हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। बाढ़ आ रही है, घर में टूट टाट गया है, रहने के लिए जगह नहीं है, तम्बू में रह रहे हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिली आपको? कोई मदद नहीं मिल रही है। प्रशासन को पता है कि गांव पानी में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, बचने के लिए उन्हें मिट्टी के टीलों का आसरा था, लेकिन यहाँ आसमानी आफत ने पीछा नहीं छोड़ा है। प्रशासन गांव का हाल देख चुका है और कुछ करने को तैयार नहीं है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान और औरतें, सभी का हाल बुरा है। सब कुदरत के एकाएक क्रोध को समझने में नाकाम है। सिर्फ आगरा नहीं बल्कि चंबल ने इटावा में भी खासा कहर बरपाया है। यहाँ रास्ते पानी में डूब चुके हैं, एक दर्जन गांव पूरी तरह से जिले से कट चुके हैं। इनमें से थाना पछाव गांव के मड़िया में गांव में पानी घुस गया है, जिसमें करीब 35 घर पानी में डूब गए हैं। वहीं थाना बड़पुरा के बसवारा गांव को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से पानी में डूब गया है। गांव जाने वाले रास्ते में बिजली के पोल पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, जिससे पता चलता है कि इस गांव के संपर्क मार्ग में करीब 30 फुट से ज्यादा पानी आ गया है। प्रशासन ने इस गांव में एक स्टीमर और दो नावें लगा दी हैं, जिससे गांव के लोग आ जा रहे हैं। खुद SDM और तहसीलदार बाढ़ से प्रभावित गांव में जाकर खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। ये गांव बसवारा है, चारों तरफ से एक्चुअली इसमें चंबल का पानी आता है, ये बीच में एक टीलेनुमा ऊपर गांव है, तो यहाँ पे भी गांव में तो पानी नहीं भरा है, लेकिन चूंकि लगातार चंबल का स्तर बढ़ रहा है और अभी फिलहाल कांस्टेंट हो गया है, तो फिर भी हम लोग एक जायजा लेने आए हैं स्थिति का कि यहाँ पे क्या स्थिति है। अभी स्थिति यहाँ पे सामान्य है, प्रधान जी यहाँ पे और हम लोग के अपने सहयोग से यहाँ पे खाना वाना बन रहा है, सभी लोग मिला के खिलाया जा रहा है। मेडिकल कैंप यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, सभी को दवाइयों का वितरण, साफ पानी पीने के लिए क्लोरीन वगैरह की दवाइयाँ, ये सब का लगातार दिया जा रहा है। चंबल की यह तबाही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले सन 1996 में चंबल के पानी ने 128 मीटर के खतरे के निशान को पार किया था। सालों बाद चंबल लोगों की जिंदगी में ऐसी घुली है कि बचाने की गुहार लग गई है। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ इटावा से मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट, ABP गंगा। तो किसी ने सोचा नहीं था कि सितंबर के महीने में भी मॉनसून इतना सितमगर हो सकता है। बहरहाल हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए ABP गंगा। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी।